हेलो वॉइस आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। दिस इज शिवांशी। सो लास्ट क्लास में फॉर्मिंग का कुछ पोर्शन रह गया था, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो, डीप ड्राइंग के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। सबसे पहले तो डीप ड्राइंग देखो क्या होती है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग व्हेन कप हाइट इज मोर देन दी हाफ ऑफ दी डायमीटर इज टर्म्ड एज डीप ड्राइंग, ठीक है ना। तो सबसे मेन कंडीशन डीप ड्राइंग के लिए क्या है कि जो उसकी हाइट है वो क्या कितनी होनी चाहिए, मोर देन होनी चाहिए हाफ ऑफ दी डायमीटर ऑफ दी कप, ठीक है ना। तो एच मस्ट बी ग्रेटर देन, गुड इवनिंग दिशान, एच मस्ट बी ग्रेटर देन डी बाई टू, ठीक है ना। तो जैसे जो हम लोग कप बना रहे हैं, जैसे मान लो इस शेप का कप बनाया हम लोगों ने, तो जो इसका डायमीटर है वो किससे डिनोट होगा, स्मॉल डी से, और हाइट क्या होगी, एच से, ठीक है। तो ये एच क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए हाफ ऑफ द डायमीटर इज टर्म्ड एज डीप ड्राइंग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन किसी भी प्रोसेस में डीप ड्राइंग के लिए, ठीक है ना। देखो, और ये क्या होता है डीप ड्राइंग, जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उनके साथ हम लोग इजिली परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जैसे हमने यहां देखा था, कहाँ गया पिक्चर, ये वाला है देखो, जैसे ये हमारा ब्लैंक है, ठीक है ना। तो ये ब्लैंक में जब हम लोग ऊपर से फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स, तो क्या होता है, देखो ये कप शेप में आता है, राइट। अगर इस हमारा डाई कुछ इस शेप का है, तो अगर इस तरीके का डाई है तो कप शेप में बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वॉल्स की थिकनेस क्या होती है, धीरे धीरे रेडियली फ्लो करता है मटेरियल बाहर की तरफ, ठीक है ना। जब हम लोग कंप्रेसिव फोर्स बीच में लगाते हैं तो क्या होता है, मटेरियल बाहर की तरफ फ्लो करने लगता है। तो उससे क्या होता है कि जो उसकी वॉल्स होती हैं ये कई बार थिकर बनती हैं, ठीक है ना, इन कंपेरिजन टू दी इट्स बॉटम। क्योंकि क्या होता है, मटेरियल जैसे ही हम लोग कंप्रेसिव फोर्स सेंटर से लगाएंगे पंच से, तो क्या होगा कि ये मटेरियल क्या है, बाहर की तरफ फ्लो करता है। तो जिससे क्या होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती है, धीरे धीरे थिकर होने लगती हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ड्यू टू रेडियल फ्लो ऑफ मटेरियल द साइड वॉल इंक्रीजेज इन थिकनेस एज हाइट इज इंक्रीज्ड, ठीक है। देखो एलन, आप अगर कोई वीडियो में देखना आपको समझ में आएगा, जब हम लोग यहां पर से देखो बीच में से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये इसकी स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है ना। और जब ये स्ट्रेचिंग होगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे मटेरियल यहाँ इधर से बाहर की तरफ फ्लो करने लगता है, ठीक है ना। आप जब प्रैक्टिकली करोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि क्या होता है, जब इस तरीके से डीप ड्राइंग की जाती है तो उसकी वॉल्स क्या होती है, थिकर बनती है इन कंपेरिजन टू दी इट्स बॉटम। तो फिर इसको अपन लोग ठीक करने के लिए एक प्रोसेस होती है आयरनिंग, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ी देर के बाद मैं वहां दिखाऊंगा कि कैसे फिर हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्स को और बॉटम की थिकनेस को फिर हम लोग मैनेज करते हैं क्लियरेंस के थ्रू, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस कहलाती है आयरनिंग, जो कि हम लोग अभी बस थोड़ी देर के बाद पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो वही चीज को फिर हम लोग ठीक करेंगे इस प्रोसेस में। तो ये लिखा हुआ है, देखो जैसे ही हाइट इंक्रीज करती है
ड्यू टू रेडियल फ्लो ऑफ मटेरियल द साइड वॉल इंक्रीजेस इन थिकनेस एज हाइट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, क्या है, मैं यहाँ पे यूट्यूब के वीडियो प्ले नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, अदरवाइज मैं आपको दिखाता भी, पर क्या है, ये ऑन लाइव वीडियोस है, यहाँ पे यूट्यूब के वीडियोस प्ले नहीं किए जा सकते, वरना मैं आपको दिखा पाता, पर आप ऐसा होता है क्योंकि क्या होता है, मटेरियल बाहर की तरफ फ्लो करने लगता है, हम लोग बीच में सेंटर में फोर्स लगाते हैं तो सेंटर का मटेरियल पतला हो जाता है और किनारे तरफ का मटेरियल थोड़ा सा थिकर हो जाता है, तो यही होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है तो रेडियल फ्लो होता है मटेरियल का, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है, जो ये डीप ड्राइंग होती है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइंग प्लस स्ट्रेचिंग, ठीक है ना। तो ये जो वॉल्स होती है, वॉल्स में क्या होता है, देखो टेंसाइल स्ट्रेस लगती है, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्स क्या होती है, देखो आप तो खींच रही है एक प्रकार से, जब हम लोग सेंटर में फोर्स लगा रहे, और एक क्या होता है, देखो ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर लगता है, ये देखो यहां पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, ब्लैंक होल्डिंग, ये हो गया हमारा ब्लैंक होल्डर, ठीक है ना, यहां पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ब्लैंक को हम लोगों ने सपोर्ट दिया हुआ है, दबा के रखे हैं, और तो जब ये कप के शेप में आएगा तो क्या होता है, देखो कि जो इसकी वॉल्स है वो नीचे की तरफ एक प्रकार से खींचेंगी, राइट, और जब वो खींचेंगी तभी ना उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी कप के हाइट की, तो एक प्रकार से यहां पे क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस लगता है इन वॉल्स, वॉल्स में कैसा स्ट्रेस आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस, आप खुद ही इमेजिन करके देखो कि जैसे जैसे ये जो पिस्ट जो हमारा प्लंजर है, पंच है, जो नीचे की तरफ मूव करेगा तो वॉल्स क्या होंगी, बड़ी होंगी, राइट, उनकी हाइट इंक्रीज करेगी, और जब हमने ऊपर से उसका एक हिस्सा दबा रखा है तो जब वो वॉल्स नीचे की तरफ मूव करेंगी तो क्या होगा, उसकी वॉल्स में टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, और जबकि जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें पंच छुआ हुआ है वहां पे क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। हाँ बिल्कुल एरन, अभी आप समझ रहे हो, तो जो इसका सेंटर वाला पोर्शन होगा वहां पे क्या आएगा, कंप्रेसिव आएगा, नीचे वाला मतलब इसका जो बॉटम पोर्शन है, ये बॉटम में क्या आएगा, कंप्रेसिव आएगा, क्योंकि ये पंच लगा रहा है, जबकि वॉल्स क्या हो रही है, वॉल्स में एक प्रकार से पुल हो रहा है, तो इसमें कैसा आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो दो तरीके के स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं इन ड्रॉइंग ऑपरेशन, ठीक है। तो देखो यहां पे यही लिखा हुआ है, डीप ड्रॉइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइंग एंड स्ट्रेचिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो एक लास्ट पॉइंट है, अ सिलेंड्रिकल विसल विथ फ्लैट बॉटम कैन बी डीप ड्रॉन बाई डबल एक्शन डीप ड्रॉइंग। क्या होता है, देखो एक हाइड्रोलिक प्रेस होता है, आप सिर्फ अभी यूट्यूब में जैसे ही वीडियो खत्म होगा डालना हाइड्रोलिक डबल एक्शन डीप ड्रॉइंग, ठीक है ना, तो वहां पे आपको एक वीडियो दिखेगा, उसमें आप देखना क्या होता है कि ये जो सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि दो बार में पूरा का पूरा हम लोग ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एक्शन डीप ड्रॉइंग, ठीक है। तो क्या होता है, डबल एक्शन डीप ड्रॉइंग में हम लोग दो बार में पंच से फोर्स लगाते हैं और फिर हम लोग वो ऑपरेशन को दो बार में कंप्लीट करते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एक्शन डीप ड्रॉइंग ऑपरेशन, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था ईएससी 2008 में, अ सिलेंड्रिकल विसल विथ फ्लैट बॉटम कैन बी डीप ड्रॉन बाई सेलो ड्रॉइंग, सिंगल एक्शन डीप ड्रॉइंग, डबल एक्शन डीप ड्रॉइंग। तो इसका क्या होगा आंसर, डबल एक्शन डीप ड्रॉइंग, ठीक है। तो अ सिलेंड्रिकल वेसल विद फ्लैट बॉटम कैन बी डीप ड्रॉन बाय डबल एक्शन डीप ड्रॉइंग, ठीक है। दिशांत, आपको भी समझ में आ रहा है, सी होगा एलन, डबल एक्शन डीप ड्रॉइंग, ठीक है। यस, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन बना के दिया हुआ है यहां पे।
अब देखो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक बात करने वाले हैं डीप ड्रॉबिलिटी, ठीक है। तो देखो डीप ड्रॉबिलिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ब्लैंक डायमीटर टू कप डायमीटर, और इसी को कप डायमीटर को ही आप पंच डायमीटर भी बोल सकते हो, या तो इसको कप डायमीटर बोलो क्योंकि जिस डायमीटर का हमारा पंच होता है उसी डायमीटर का कप बनता है, तो हम लोग स्मॉल डी को चाहे तो कप डायमीटर बोलें चाहे पंच डायमीटर बोलें, दोनों बातें सेम होंगी, ठीक है। तो कप डायमीटर और पंच डायमीटर दोनों सेम है, तो ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम ब्लैंक डायमीटर टू डायमीटर ऑफ कप ड्रॉन इज कॉल्ड दी डीप ड्रॉबिलिटी। देखो क्या होता है, आप एक पॉइंट को ध्यान से समझो कि जो मटेरियल की जो थिकनेस होती है, ठीक है ना, उसका एक लिमिट होता है, अगर हम एक लिमिट से ज्यादा हाइट तक उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग पंच करेंगे, तो आप क्या देखोगे कि जो इसका बॉटम का पोर्शन है वो क्या होगा, टियर हो जाएगा, राइट। एक लिमिट से ज्यादा अगर हम लोग उसको क्या करेंगे उसमें ड्रॉप करेंगे, एक लिमिट से ज्यादा अगर उसको हम लोग पंच के थ्रू नीचे की तरफ उसकी बॉल्स की हाइट को इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा कि एक पॉइंट के बाद क्या होगा, इतना पतला हो जाएगा बॉटम कि वो फट जाएगा नीचे से, है ना। एक प्रकार से देखो इस तरीके के क्रैक्स डेवलप होंगे, कहाँ गया पिक्चर वाला, हाँ ये है, देखो इस तरीके के बॉटम में से क्रैक डेवलप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कब होता है, जब हम लोग एक लिमिट से ज्यादा हम लोग उसको क्या करते हैं, पंच के थ्रू उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल। तो जब जैसे ही उसमें स्ट्रेसेस क्या होंगी एक पॉइंट से अधिक हो जाएंगी तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो रेशियो होता है लिमिटिंग ड्रॉइंग रेशियो जिसको हम लोग LDR बोलते हैं, तो ये यही डिसाइड करता है कि हम लोग अधिकतम कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये LDR क्या होता है, LDR होता है D/D, ठीक है ना। ये जो ड्रॉइंग रेशियो होता है इसी को हम लोग LDR भी बोलते हैं, और ये इसकी जो वैल्यूज होती है ये कितनी होती है, देखो 1.6 से 2 के बीच में होती है, कितना होता है 1.6 से 2 के बीच में होती है, ठीक है। इसमें फटीग के बिना भी एलन क्या होगा, अगर एक लिमिट से ज्यादा अगर हम लोग उसको पुल करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर मटेरियल की देखो एक लिमिट तक ही उसको हम लोग पुल कर सकते हैं, उसके बाद तो वो फिर इतना थीन हो जाएगा उसका बॉटम का पोर्शन कि वो ब्रेक हो जाएगा। देखो ये वैल्यू कुछ चीजों पे डिपेंड करती है, तो द एक्चुअल लिमिटिंग वैल्यू फॉर अ गिवन ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द पंच एंड डाई कॉर्नर रेडियाई। पंच एंड डाई कॉर्नर रेडियाई आप समझते हो ना क्या होता है, जैसे ये पंच है तो ये उसका साइड का जो हमारा होगा ये कहलाता है कॉर्नर रेडियाई, तो ये किस पे डिपेंड करता है, पंच एंड डाई कॉर्नर रेडियाई, फ्रिक्शन कंडीशन, डेप्थ ऑफ ड्रा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीट मेटल, ठीक है ना। जैसे डक्टिलिटी हो गया, डिग्री ऑफ डायरेक्शनलिटी ऑफ स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज इन दी मटेरियल, मतलब एक प्रकार से क्या बोल रहे हैं, होमोजिनिटी ऑफ मटेरियल और डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा फ्रिक्शन हो गया, डेप्थ ऑफ ड्रा, पंच एंड डाई कॉर्नर रेडियाई, क्या होता है अगर काफी शार्प है, अगर ये कॉर्नर की रेडियाई काफी शार्प है तो क्या होगा, ज्यादा अधिक उसमें फोर्स लगेगा और वो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, जल्दी उसमें टियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा LDR। अब देखो ये LDR डिसाइड करता है कि हम लोग एक बार में, जब हम लोग एक बार पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कितने अमाउंट में हम लोग उसमें रिडक्शन साइज में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो
ठीक है, तो परसेंटेज रिडक्शन इन डीप ड्रॉइंग, मतलब एक बार अगर हमने पंच से उसमें फोर्स लगाया तो अधिकतम हम लोग कितना एक बार में ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये रिडक्शन कितना बनेगा, ये रिडक्शन कितना बन जाएगा डायमीटर में, डी माइनस डी बाई डी इंटू 100, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस डी बाई डी इंटू 100, ठीक है। अब देखो डी बाई डी की हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू कितनी देख रखी है, 2 होती है, तो हम लोग क्या रख दे यहां पे 2। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि एल डी आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो क्या मैं यहां पे 2 रख दू, तो ये डी बाई डी मतलब ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा इंटू 100, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 50% आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक पंच, एक बार जब हम लोग उसमें पंच को उसमें इंटर करते हैं तो अधिकतम हम लोग कितने डायमीटर में रिडक्शन कर सकते हैं, 50%, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ थंब रूल होते हैं, फिर हम लोग सेकेंड ड्रॉ में कितना रिडक्शन कर सकते हैं, 30%, थर्ड ड्रॉ में कितना कर सकते हैं, 25%, फोर्थ ड्रॉ में कितना कर सकते हैं, 16, और फिफ्थ में कितना कर सकते हैं, 13। देखो ये हर बार रिडक्शन क्यों हो रहा है, पहले 50% हम लोग रिडक्शन कर पा रहे थे, फिर 30%, ये होता है देखो जब एक बार हम लोग पंच से फोर्स लगाते हैं तो वो मटेरियल में क्या होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, तो और स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है ना, और उस स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग सिर्फ उससे जितना हम लोगों ने पहली बार में ड्रॉ किया है उससे कम ही हम लोग ड्रॉ कर पाते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि मैं बेसिकली बोलना क्या चाह रहा हूँ, कैसे हम लोग डायमीटर को रिड्यूस करते हैं। तो आप अगर इस एग्जांपल को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा बेसिकली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। देखो अ कप ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, 15 सेंटीमीटर डायमीटर, 5 सेंटीमीटर डायमीटर इज टू बी मेड From a sheet metal of 2 mm thickness, the number of deductions necessary will be. तो देखो हम लोग कितने बार में इसको हम लोग कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, इसमें ब्लैंक डायमीटर निकाल लें, ठीक है ना। तो ब्लैंक डायमीटर कितना आ जाएगा, तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे कैसे निकलेगा ब्लैंक डायमीटर, कल ही मैंने बताया था आपको, मुझे बताओ इसमें ब्लैंक डायमीटर क्या आएगा। ओके 15 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक आ रहा है, 15 ही आएगा, ये हो गया 5² + 4 × 5 × 10, ठीक है। ये हमारा क्या बना, d इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोगों को ये 15 सेंटीमीटर का जो ब्लैंक है हमारा उसको हम लोगों को कितने डायमीटर में रिड्यूस करना है, 5 सेंटीमीटर में। तो एक बार में हम लोग कितना रिड्यूस कर सकते हैं, अधिकतम 50%। तो एक बार में जब इसका हम लोग 50% रिड्यूस करेंगे तो D1 क्या बन जाएगा, इसका 50% कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 7.5 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग कितना अधिकतम रिड्यूस कर सकते हैं, 30%, ठीक है। तो 30% रिड्यूस करेंगे मतलब हमारा मटेरियल कितना बचेगा, 70%, ठीक है। देखो एलन ये लिखा हुआ है, हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया कि मैक्सिमम रिडक्शन हम लोग कितना कर सकते हैं डायमीटर में, 50%। मैक्सिमम रिडक्शन हम लोग कितना कर सकते हैं, 50% रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है।
तो अभी हम लोग आगे करें और उसमें ठीक है LDR2, ठीक है ना, अभी समझ में आ गया ना। तो देखो अब देखो नेक्स्ट हम लोग कितना रिडक्शन कर सकते हैं, अधिकतम 30% रिडक्शन कर सकते हैं हम लोग, कितना रिडक्शन कर सकते हैं 30% रिडक्शन कर सकते हैं। अच्छा जब हम लोग बताओ 30% रिडक्शन करेंगे तो मटेरियल हमारा कितना बचेगा, 70%, है ना, मतलब 7.5 सेंटीमीटर का 70% मटेरियल बचेगा, 30% रिडक्शन होगा, ठीक है ना। ध्यान सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से सुनो। देखो D1 में जितना हमारा मटेरियल है ठीक है ना, उसका हम लोग 30% रिडक्शन करेंगे, इसका मतलब हमारा मटेरियल कितना बचेगा, 70% बचेगा। कैसे, 7.5 × 1 − 0.3, राइट, इतना ही बचेगा ना। तो D3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बात है, दिशांत ने क्लास छोड़ दी क्या। तो देखो D3 कितना बचेगा हमारा, 5.25। हमें कितना चाहिए है, देखो हमें कितना चाहिए है, एक पर D3 नहीं है, D2 ही हुआ है ना, हमें कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, मतलब अभी हम लोगों को एक बार और रिडक्शन करना होगा। नेक्स्ट रिडक्शन हम लोग देखो कितना परसेंट कर सकते हैं, 25%। अब जब हम लोग 25% नेक्स्ट रिडक्शन कर सकते हैं तो हमारा मटेरियल कितना बचेगा, 5.251 − 0.25, तो हमारा मटेरियल कितना बचेगा, 75%। तो ये कितना आ गया, 5.25 × 0.75, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3.93। ठीक है, तो हम लोगों को कितने बार रिडक्शन करना होगा, इसमें 3 बार रिडक्शन करना होगा। देखो एलन 3 बार इसलिए करना होगा क्योंकि अगर हम लोग 2 बार रिडक्शन करेंगे तो हम लोगों का ये अधिकतम डायमीटर हम लोग कितना रिड्यूस कर सकते हैं, 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 बार में अधिकतम रिडक्शन हम लोग कितना कर सकते हैं, 5.25 सेंटीमीटर, जबकि हमें तो 5 सेंटीमीटर चाहिए ना। और 3 बार में हम लोग कितना अधिकतम रिडक्शन कर सकते हैं, 3.93 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर में दिया हुआ था, हाँ सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोग ये अधिकतम कर सकते हैं ना, अगर हम चाहें तो अपने पंच को पहले भी रोक सकते हैं जब हमारा 5 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाए, जरूरी थोड़ी ना कि हम पूरा 3.93 तक आए, लेकिन D2 में तो हमारा पूरा नहीं आएगा जितना हमें चाहिए है, तो हमें 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो जैसे ही हमारा थर्ड वाले स्ट्रोक में 5 सेंटीमीटर होगा, हम ऑपरेशन वहीं पे बंद कर देंगे। आई बात समझ में, देखो एलन 2 बार हम लोग पूरा रिडक्शन करेंगे, 2 बार हम लोग जब पूरा रिडक्शन, देखो पहली बार में कितना हुआ, पहले रिडक्शन में 7.5 हुआ, दूसरे रिडक्शन में कितना हुआ, 5.25 हुआ, लेकिन हमें तो अभी और रिडक्शन करना है, हमें तो 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो हमें तीसरी बार भी तो पंच चलाना पड़ेगा ना, 2 बार बस पंच हम लेके चलाएंगे तो काम नहीं होगा, तीसरी बार भी चलाना तो पड़ेगा ही ना, चाहे पूरा पंच हम ना नीचे तक लेके जाए, आधी दूरी तक ही लेके जाए, लेकिन पंच तो हमें एक बार और चलाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो 2 बार आपने किया पूरा पंच नीचे तक ले गए तो हमें कितना रिडक्शन मिल गया, 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें 5 सेंटीमीटर के तिबारा पंच तो लेके आना पड़ेगा ना, अगर पंच ही नहीं लाओगे तो वो तो 5.25 में ही रह जाएगा, 5 सेंटीमीटर का कभी ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा ही नहीं। हाँ आप कम रिडक्शन करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है एलन, देखो ये लिखा हुआ है अधिकतम, मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन, बिल्कुल आप 5 सेंटीमीटर में अगर आ रहा है आपका 5% तो आप करो 5 सेंटीमीटर, ये अधिकतम रिडक्शन है, समझ रहे हो, अधिकतम रिडक्शन है ये, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये अधिकतम रिडक्शन है, ठीक है। देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था,
दो बार हम लोग फुल रिडक्शन करेंगे और तीसरी बार हम लोग फुल रिडक्शन नहीं करो आपका, अगर 5% में आ रहा है तो 5% रिड्यूस कर लो, क्या जरूरी है कि हर बार पूरा ही करो आप, जितना जरूरी है उतना करो, राइट। तो देखो बिल्कुल अभी आप समझ गए हो, देखो नेक्स्ट क्या है, ये एक असर्टेन सर्टेन का क्वेश्चन था, रीजन एंड असर्शन का। ए ए क्यों बनेगा एलन, देखो द फर्स्ट ड्रॉ इन डीप ड्रॉइंग ऑपरेशन कैन हैव 60%, हमने अभी देखा 50% से अधिक नहीं हो सकता, क्यों, अभी हमने देखा 50% ये मैक्सिमम रिडक्शन बनता है, तो 60% कैसे आप रिड्यूस कर लोगे, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ना। देखो इन फर्स्ट ड्रॉ इन डीप ड्राइंग ऑपरेशन कैन हैव अप टू 60% रिडक्शन, जबकि 60% नहीं हो सकता, अधिकतम तो हम लोग 50% ही रिड्यूस कर सकते हैं ना, और दूसरी बार में 30% और तीसरी में 25, ठीक है, और दूसरा तो सही होगा, जब पहला गलत हो गया तो दूसरा ऑब्वियस सही होगा, तो इसका मतलब सही आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, सी नहीं डी, ए फॉल्स आर राइट, ठीक है। देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स की, किस किस तरीके के डिफेक्ट्स बनते हैं इन ड्राइंग ऑपरेशन, देखो अभी हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो देखो कुछ चार पांच तरीके के बनते हैं, पांच छह तरीके के, सबसे पहला डिफेक्ट है रिंकल, रिंकल इन फ्लांज एंड वॉल, देखो आप ये इस आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक ये रिंकल तो आप समझते हो ना, जैसे चिप्स वगैरह में बने रहते हैं इस टाइप का, कुछ इस टाइप का शेप, तो ये इस टाइप का शेप देखो, इसका जो ये फ्लांज का पोर्शन है तो फ्लांज में बन जाता है, और कई बार देखो ये इतना अधिक बढ़ जाता है कि ये वॉल्स तक भी आ जाता है, ठीक है ना, तो ये रिंकल्स क्यों डेवलप होते हैं, देखो जो हम लोगों ने ब्लैंक से होल्डिंग का प्रेशर लगाया होता है अगर वो इनसफिशियंट होता है, ठीक है ना, अगर वो इनसफिशियंट ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर होता है तो क्या होता है, देखो ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर हम लोग कहां पे लगा रहे हैं, यहां पे ऊपर तरफ हम लोग लगा रहे हैं ना, ये देखो ये यहाँ पे हम लोग ब्लैंक ये क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, जब ऊपर का पोर्शन दबाएंगे तभी ना उसको हम लोग पंच से नीचे की तरफ धकेल सकते हैं, है ना उसका, वरना अगर उसको ऊपर सपोर्ट नहीं देंगे तो अगर इसको हम लोग यहां पर से सपोर्ट नहीं देंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा नीचे के गैप में धस जाएगा, इसलिए इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये जो ब्लैंक होल्डिंग होता है इसको होल्ड करना पड़ता है, अगर ये ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर कम होता है तो क्या होता है कि इस तरीके के रिंकल्स डेवलप होते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। अभी देखो नेक्स्ट टीयरिंग, देखो बस टीयरिंग के लिए तो मैंने पहले ही समझा दिया है, यहां पर लिखा हुआ देखो, ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेस That causes thinning and failure of metal at this location. This type of failure can also occur as the metal is pulled over the sharp corner radii. ठीक है ना, तो इसके बारे में तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि अगर पंच और रेडियाई का जो डायमीटर है वो शार्प होगा तो भी डेवलप हो सकता है, इसके अलावा हाई टेंसाइल स्ट्रेस, एक लिमिट से ज्यादा अगर हम लोग उसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे तो भी क्या होगा कि ये टीयरिंग हो जाती है एट द बॉटम, ठीक है। देखो इस तरीके की नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा ईयरिंग, ये ईयरिंग डिफेक्ट क्यों होता है, देखो अगर मटेरियल कैसा हो हमारा, उसकी जो प्रॉपर्टीज हो कैसी हो, एन आइसोट्रेपिक हो, ठीक है ना, उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज कैसी हो,
एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज हो सीट मेटल की, तो किस तरीके का, इस तरीके की ईयरिंग्स बन जाती है ऊपर, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का शेप बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयरिंग बोलते हैं। ये कैक्यूआ बनता है, देखो जो हम लोग मटेरियल जिसकी डीप ड्राइंग कर रहे हैं, ये डिफेक्ट्स के बारे में ज्यादातर एलन ईएस में पूछता है, ठीक है ना, ईएस में पूछता है, जो भी रिलेटेड पॉइंट्स पूछे जाते हैं ज्यादातर उसके रीजन ही पूछे जाते हैं, जैसे ईयरिंग डिफेक्ट हो रहा है तो उसका क्या रीजन बनता है, एन आइसोट्रॉपी। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ईयरिंग डिफेक्ट के लिए क्या हमारा बन रहा है, एन आइसोट्रॉपी बन रहा है रीजन। इसी तरीके के लिए टीयरिंग के लिए क्या बन रहा है, हाई टेंसाइल स्ट्रेस और थिनिंग ऑफ द मटेरियल। इसके अलावा क्या बन रहा है, देखो जो शार्प कॉर्नर पंच और डाई का रेडियाई होता है। इसके अलावा रिंकल के लिए, देखो इन सभी में से रिंकल और ईयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो रिंकल के लिए क्या बन रहा है, इनसफिशियंट ब्लैंक होल्डिंग प्रेशर। इसके बाद देखो मिस स्टिक कैसे होता है, मिस स्ट्राइक क्या है, देखो मिस स्ट्राइक क्यों हो रहा है, मिस स्ट्राइक होता है ड्यू टू मिसप्लेसमेंट ऑफ द स्टॉक। अगर स्टॉक हमारा सही से नहीं रखा गया है, ठीक है ना, डाई में, तो क्या होगा, मिस स्ट्राइक होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी फ्लैंज होगी वो क्या होगी, अनसिमेट्रिकल बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है देखो ऑरेंज पील। ऑरेंज पील देखो क्यों बनता है, क्या होता है, कई बार सरफेस हमारी स्मूथ ना होने की वजह से थोड़ा सा रफ बन जाती है। ये रफ क्यों बन जाती है, देखो ये रफ बन जाती है ड्यू टू कोरस ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर बनते हैं उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है ना। ज्यादातर ये किसमें होता है, हॉट वर्किंग में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि हॉट वर्किंग में आपको मैंने बताया था कि रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, और रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्या होते हैं, नए ग्रेन्स बनते हैं, तो हम लोगों के कई बार ग्रेन्स लार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से देखो यहाँ लिखा हुआ है टू हाई अ टेम्परेचर एनलिंग, देखो रिजल्ट ऑफ एनलिंग एट टू हाई अ टेम्परेचर, ठीक है ना, तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से लार्ज ग्रेन बनते हैं और इस तरीके की रफ सरफेस दिखने लगता है, ठीक है। अब देखो सरफेस स्क्रेचेस, तो ये देखो सरफेस स्क्रेचेस क्यों बनेंगे, अगर लुब्रिकेंट सफिशियंट नहीं है, इसके अलावा क्या है, देखो पंच और डाई का सरफेस स्मूथ नहीं है, तो हमारा क्या बनेगा, सरफेस डिफेक्ट स्क्रेचेस आ जाएंगे सरफेस में, ठीक है। अब देखो लास्ट है स्ट्रेचर स्ट्रेन। स्ट्रेचर स्ट्रेन क्या होता है, आप ये वाले पिक्चर को ध्यान से देखो, ये ज्यादातर एल्यूमिनियम और कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील में दिखता है। देखो जहां पे जॉइंट्स वगैरह होते हैं वहां पे देखो इस तरीके की लाइंस दिखने लगती हैं, ठीक है ना, ये क्यों होता है, देखो इन होमोजीनियस यील्डिंग की वजह से, ये किसकी वजह से हो रहा है, देखो मटेरियल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज में वेरिएशन की वजह से, ठीक है ना, तो इन होमोजीनियस यील्डिंग की वजह से देखो ये क्रिस क्रॉस लाइंस दिखने लगती है, इस टाइप की लाइंस कुछ भी दिखने लगेंगी, ठीक है ना, ज्यादातर ये जॉइंट्स के पास ही ज्यादा दिखता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूडर लाइंस और स्ट्रेचर स्ट्रेंस, ठीक है ना। तो ये तो थे कुछ डिफेक्ट्स। अब देखो कुछ हम लोग अलग अलग तरीके की कुछ अदर ऑपरेशन सीट मेटल ऑपरेशंस के बारे में, हाँ सभी डायरेक्शन में मोस्टली ज्यादातर देखो एक लाइंस में ही दिखने लगता है एलन, इस एक ही पास पास में काफी ज्यादा, और देखो तो एक लाइन में ही सारे के सारे दिख रहे हैं, है ना, तो उनका सेम ही डायरेक्शन में है ज्यादातर, क्योंकि ये इन होमोजेनिटी की वजह से है, ठीक है। ठीक है, अब देखो हम लोग कुछ अदर ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो वॉल्स बनती है वो क्या बन जाती है, थिकर बन जाती है। अगर हम लोगों को वॉल्स को क्या करना है, देखो वॉल्स थिकर भी बनती हैं, ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना आपको, वॉल्स थिकर भी बनती हैं, और उनकी कई बार क्या होता है, जो जो थिकनेस होती है
वॉल्स की वो एक बराबर भी नहीं होती, कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है। तो उसके लिए हम लोग देखो क्या करते हैं कि एक ऑपरेशन है आयरनिंग ऑपरेशन, ये परफॉर्म करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं देखो कि जो क्लियरेंस होता है, जो हमारा क्लियरेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कम करते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं थिकनेस से कम कर देते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है द थिकनेस ऑफ द कप वॉल कैन बी कंट्रोल बाई अ प्रोसेस कॉल्ड आयरनिंग इन विच ड्रॉन कप इज पुश्ड थ्रू वन और मोर आयरनिंग रिंग। देखो आयरनिंग रिंग क्या है, ये आप देख रहे होगे, ये हो गया आयरनिंग रिंग, ठीक है ना। ये देखो यहां पे ये डाई लिखा हुआ, यही होती है आयरनिंग रिंग। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको आयरनिंग, द क्लियरेंस बिटवीन द आयरनिंग रिंग एंड द पंच इज लेस देन द कप वॉल थिकनेस, ठीक है ना। तो जो कप वॉल की जो थिकनेस है उससे हम लोग क्या करते हैं कि क्लियरेंस को कम कर देते हैं, और जब हम लोग क्लियरेंस को कप वॉल की थिकनेस से कम कर देते हैं तो हम लोगों का क्या होता है कि एक तो यूनिफॉर्म थिकनेस मिलती है और साथ ही साथ क्या होता है देखो कि हमारी वॉल की थिकनेस भी रिड्यूस करती है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं एक सपोर्ट के लिए आयरन रिंग का यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है देखो कि हम लोगों को यूनिफॉर्म थिकनेस की वॉल मिलती है और हम लोगों का बॉटम बहुत थिन भी नहीं होता, बॉटम ज्यादा थिन हो जाता है तो क्या होता है टीयरिंग हो जाती है ना। तो इससे हम लोग उस टीयरिंग को भी क्या कर पाते हैं अवॉइड कर पाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये ज्यादातर हम लोग किसमें करते हैं, देखो एल्यूमिनियम का जो ब्रेबरेस केन होता है, आपने कोल्ड ड्रिंक का केन देखा है, कोल्ड ड्रिंक का जो केन होता है आपने देखा होगा जो बॉटम होता है उसका थिक होता है, वॉल क्या होती है थिन होती है और एक यूनिफॉर्म थिकनेस होती है। तो वो ऑपरेशन हम लोग आयरनिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। क्या होता है वॉल्स की थिकनेस को हम लोग कम कर देते हैं बाय रिड्यूसिंग द क्लियरेंस बिटवीन द पंच एंड डाई। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं आयरनिंग रिंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों से क्या होता है कि वॉल्स की थिकनेस रिड्यूस हो जाती है और बॉटम की थिकनेस उस रेशियो में रिड्यूस नहीं होती, वो थिकर ही बनी रहती है, ठीक है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और देखो आयरनिंग फोर्स भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कभी पूछे तो, ये इक्वेशन है आप नोट डाउन कर लो, बाकी मैं नोट्स के साथ भी आपको दे दूंगा। तो पाई डी टी सिग्मा एवी लॉग ऑफ टी ओरिजिनल टू टी फाइनल, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वही स्ट्रेसेस तो होते ही हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस राइट वही रहता है। एलन मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी टीचिंग में आप लोगों को दिक्कत हो रही है समझने में? कल हर्ष सर मुझसे कह रहे थे कि आप लोगों को कंप्लेंट है कुछ, मेरी स्पीड काफी ज्यादा लग रही है क्या आप लोगों को? ये इनिशियल और फाइनल थिकनेसेस है, ठीक है ना। तो ये जो T1 T2 लिखा हुआ आप इसको T1 T2 के फॉर्म में कर लो, एक मिनट मैं नोट्स में एक बार चेक भी कर लेता हूं। ये जहां तक है फाइनल है, ठीक है ना, T2 उसको कर लो आप तो आपको समझने में आसानी रहेगी, और इसको T1 कर लो, ठीक है तो दिक्कत कम होगी। कल तो हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन ज्यादा कवर ही नहीं किया एलन, है ना, न्यूमेरिकल्स दो चार किए थे, कल हम लोगों ने ज्यादा कुछ पढ़ा ही कहाँ है। देखो इतना हम लोगों ने मुश्किल से दो टॉपिक पढ़ा है, ओके आज मैंने स्पीड को और रिड्यूस किया है।
अभी दिशांत भी ज्वाइन किया, उसने भी फिर छोड़ दिया। कल हर सर से मेरी बात हो रही थी। आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी दिक्कत हो रहा है क्या? देखो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होती, कई सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोगों को बिल्कुल, बाकी मैं आपको नोट्स में सारा डेटा प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, राइट। तो देखो इम्बोसिंग है नेक्स्ट ऑपरेशन। इम्बोसिंग में क्या होता है, देखो इस तरीके के हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों को थोड़ा सा बीच में, अगर हम लोगों को क्या करना है, कोई इंडेंटेशन बनाना है, ठीक है ना, बीच में हम लोगों को सीट में इस टाइप का छोटा सा सी टाइप का मार्क बनाना है। हाँ डी टू फाइनल है, ठीक है ना, ये जो फाइनल थिकनेस है वही है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट ऑपरेशन है इम्बोसिंग। इम्बोसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोगों को छोटे छोटे से इंडेंटेशन बनाना रहता है सीट मेटल में, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो करूंगा मैं बात, ठीक है। तो देखो अगर हम लोगों को छोटे छोटे इंडेंटेशन बनाने, तो जैसे आप ये सीट मेटल में देख पा रहे हो छोटा सा, ठीक है चलो मैं बात करूंगा। देखो अगर सीट मेटल में इस तरीके के अगर हम लोगों को इंडेंटेशंस बनाने हैं, ठीक है ना, तो वो हम लोग किसके द्वारा बना सकते हैं, इम्बोसिंग के द्वारा बना सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो कि एक ऊपर का डाई होता है एक बॉटम डाई होता है, ठीक है ना। ऊपर तो वाले डाई से हम लोग क्या करते हैं कि जिस शेप का इंडेंटेशन बनाना रहता है उसका बिल्कुल अपोजिट हम लोगों के ऊपर वाले डाई में बना रहते हैं, और उसी से हम लोग क्या करते हैं फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का इंडेंटेशन हम लोगों का बनता है। तो ये है हम लोगों का इम्बोसिंग ऑपरेशन, ठीक है। इसी तरीके का एक देखो क्वाइनिंग ऑपरेशन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्वाइंस को बनाते हैं, उसमें भी लगभग सेम ऑपरेशन होता है, बस जैसे यहाँ इंडेंटेशन बन रहा है वहां पे क्या होते हैं क्वाइंस हम लोग बनाते हैं। और वो क्वाइंस का यूज हम लोग किसमें करते हैं, जैसे आपने मेडल्स देखा होगा, मेडल हो गया, क्वाइन ही हो गया, उस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब बनाने में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इंडेंटेशन और क्वाइनिंग याद रखना दोनों सेम ऑपरेशन है काफी हद तक। हाँ फोर्जिंग की तरह ही है, बिल्कुल फोर्जिंग की तरह ही ऑपरेशन है। हम लोग क्या करें कि उसको हम लोग कंप्रेशन के थ्रू इस तरीके का हम लोग शेप डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोगों का इम्बोसिंग। अब देखो बस छोटे छोटे दो ऑपरेशन और बचे हुए हैं, एक बेंडिंग एक स्पिनिंग, इसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम लोग थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग में देखो आप इस पिक्चर में देखो ध्यान से, देखो आपने देखा होगा हम लोगों का जो एयरक्राफ्ट वगैरह होता है, तो एयरक्राफ्ट का आगे का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, राइट। कुछ मशीन्स में भी ऐसा होता है, आप अगर एयरक्राफ्ट का ध्यान रखोगे तो एयरक्राफ्ट में आगे का जो शेप होता है कुछ ऐसा ही शेप होता है ना। तो अगर इस तरीके, कई बार बॉयलर वगैरह में भी इस तरीके का शेप रहता है, तो इस तरीके का अगर शेप हम लोगों को बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े शीट मेटल्स में हम लोग बीच में एक मेंड्रल का यूज करते हैं, ठीक है ना। और इस मेंड्रल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर। तो ये क्या होता है, धीरे 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 ये मेंड्रल का ही शेप ले लेता है। ये ऑपरेशन क्या कहलाता है, ये ऑपरेशन कहलाता है स्पिनिंग, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है, ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, ये रोटेटिंग हमारा मेंड्रल रहता है और ये सेंटर से कंप्रेसिव फोर्स को लगाता है,
और जब ये कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो ये जो हमारी सीट है वो धीरे धीरे क्या करती है, उस मेंड्रल के ही शेप को ले लेती है। ठीक है, तो सो दिस इज हाउ दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म। देखो आप इसमें भी देख सकते हो, ये हमारा इनिशियल सीट है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर से हम लोग लगा रहे हैं फोर्स। ठीक है ना, इसके अलावा देखो हम लोग यहां से रोलर से क्या कर रहे हैं, रोलर से हम लोग एक बराबर यूनिफॉर्म थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। सीट नॉर्मल सीट रहती है हमारी, ठीक है, सीट हमारी नॉर्मल सीट रहती है। देखो ना आप, ये नॉर्मल सीट है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जब हम लोग सेंटर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, यही हमारा जो भी शेप का है मेंड्रल है उसी शेप का ये ले रहा है। ठीक है ना, तो ये ऑपरेशन क्या कहलाता है, स्पिनिंग ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, देखो ना ये हो गया हमारा ओरिजिनल ब्लैंक सीट मेटल, और फिर क्या है, धीरे 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 ये जैसे जैसे फोर्स लगेगा तो ये हमारा मेंड्रल का शेप ले लेता है। ठीक है ना, तो देखो लिखा हुआ है स्पिनिंग इज अ कोल्ड वर्क कोल्ड फॉर्मिंग ऑपरेशन इन विच अ रोटेटिंग डिस्क ऑफ सीट मेटल इज शेप्ड ओवर मेल फॉर्म और मेंड्रल। लोकलाइज्ड प्रेशर इज अप्लाइड थ्रू अ सिंपल राउंडेड वुडन और मेटल टूल और स्मॉल रोलर विच ट्रांसवर्स द इंटायर सरफेस ऑफ द पार्ट। देखो हम लोग सेंटर से तो फोर्स लगाते हैं, साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, रोलर से उसको एक बराबर थिकनेस में, यूनिफॉर्म थिकनेस में इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस पे ऊपर हम लोग प्रयास, हम लोग क्या करें, इस मेंड्रल के ऊपर चढ़ा रहे हैं उस सीट को, राइट, उसी सेम का। तो ये ऑपरेशन क्या कहलाता है हमारा, स्पिनिंग कहलाता है। ठीक है, अभी देखो आप इसमें अगर आप देखो तो ये TC इज इक्वल टू क्या बनता है, TC क्या है, देखो फाइनल थिकनेस जो हमारी बनती है वो क्या होती है, TB साइन अल्फा। यहां पे TB क्या है, इनिशियल थिकनेस है, और अल्फा क्या है, देखो अल्फा ये एंगल है, ये एंगल। ठीक है, ठीक है, तो अल्फा क्या है, देखो अल्फा ये एंगल है, ये देखो आप ये एंगल है जो कोन की स्लांट हाइट है उसके बीच का एंगल है, सेंटर और जो कोन का जो सरफेस है उसके बीच का एंगल। और देखो मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन कितना हम लोग कर सकते हैं, TB माइनस TC बाई TB, मतलब T इनिशियल माइनस T फाइनल डिवाइड बाई T इनिशियल। और अगर देखो हम लोगों को डायमीटर ऑफ ब्लैंक चाहिए कि किस डायमीटर का ब्लैंक चाहिए होता है, ये ब्लैंक है ना ओरिजिनल, तो ये जो ब्लैंक है अगर हम लोगों को ब्लैंक का डायमीटर चाहिए तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोग निकाल सकते हैं इक्वेट करके सरफेस एरिया ऑफ द ब्लैंक
और सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इन दोनों के सरफेस एरिया को इक्वेट करके हम लोग ब्लैंक के डायमीटर को निकाल सकते हैं डीबी, ठीक है, डीबी या डी जिससे भी आप डिनोट कर रहे हो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है स्पिनाबिलिटी। स्पिनाबिलिटी तो आप समझते ही हो क्या है, किसी भी मटेरियल का तो मैक्सिमम रिडक्शन इन थिकनेस टू विच ब्लैंक कैन बी सब्जेक्टेड टू बाय स्पिनिंग विदाउट एनी क्रैक इज डिफाइंड बाय स्पिनाबिलिटी, ठीक है ना। इट इज डिटरमाइंड बाय स्पिनिंग अ सर्कुलर ब्लैंक ओवर अ एलिप्सॉइड मैंड्रल, ठीक है ना। बेसिकली क्या है कि विदाउट क्रैकिंग जो मैक्सिमम थिकनेस में जो हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, स्पिनाबिलिटी कहलाती है, ठीक है। देखो एक दो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। द थिकनेस ऑफ द ब्लैंक नीडेड टू प्रोड्यूस बाई पावर स्पिनिंग अ मिसाइल कोन, देखो मिसाइल का भी कोन इसी से बनता है, ऑफ थिकनेस 1.5 mm एंड हाफ कोन एंगल इज 30 degree। फॉर्मूला नोट डाउन नहीं किया क्या आपने, देखो ये ऊपर लिखा हुआ था TC इज इक्वल टू TV साइन अल्फा, तो देखो यहां पे हम लोगों का TV क्या है, ब्लैंक डायमीटर और ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है ना, इनिशियल थिकनेस और TC क्या है, फाइनल थिकनेस। टीवी क्या है, इनिशियल थिकनेस या फिर ब्लैंक थिकनेस, और टीसी क्या है, ब्लैंक इनिशियल थिकनेस हो गया ये, टीसी क्या हो गया, फाइनल थिकनेस, ठीक है। देखो हम लोगों को क्या दिया हुआ, थिकनेस ऑफ द ब्लैंक नीडेड टू प्रोड्यूस बाय पावर स्पिनिंग मिसाइल कोन ऑफ थिकनेस 1 point, मतलब हम लोगों को TC की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है TC की वैल्यू 1.5, तो हम लोगों को TV की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एलन, ये देखो गेट 2009 PI वाला, इसमें मैं निकाल के दिखाता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से टीवी की वैल्यू कितना आया, टीवी निकाल लिया, यस 3 mm ठीक आ रहा है, ठीक है ना, तो 3 mm ऑप्शन नंबर ए। अभी देखो नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, हाफ कोन एंगल यही है, देखो ना अल्फा ये हाफ कोन एंगल ही हुआ ना, कोन एंगल तो ये पूरा होगा जो कि 2 alpha होगा, हाफ कोन एंगल हाफ साइड का एंगल, ठीक है, हाफ कोन एंगल क्या बना, अब पूरा कोन एंगल क्या बनता, पूरा होता 2 alpha हो जाता, ठीक है ना। देखो द एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड यूजिंग स्पिनिंग प्रोसेस इज शोन इन द फिगर, द इनिशियल ब्लैंक थिकनेस इज 2.5 mm, द
द ब्लैंक डायमीटर इज, ओके ब्लैंक डायमीटर अपन को चाहिए। ब्लैंक डायमीटर अपन कैसे निकाल सकते हैं, अपन जो हमारा ब्लैंक है इनिशियल ब्लैंक, देखो जैसे ये है हमारा इनिशियल ब्लैंक, इसके एरिया को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं इस कोन के एरिया से, सरफेस एरिया से, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, पाई बाय फोर डी स्क्वायर। देखो ना ये हाफ कोन एंगल समझ में आ गया ना, ये एक साइड का है ना, पूरा कोन एंगल कितना होगा इसका, डबल होगा, ठीक है। कोन कैसा बनता है, देखो कोन कुछ इस तरीके का बनता है, राइट। हाफ कोन एंगल इसका जो सेंटर का ये होता है, ये हो गया पूरा, हो गया टू अल्फा, ठीक है। तो देखो डायमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई बाय फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, देखो ऊपर लिखा हुआ है पाई आर प्लस आर इंटू एल, देखो लार्ज रेडियस ऑफ द कोन, स्मॉल रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है ना। और L क्या है, L है स्लांट हाइट। तो देखो अभी हम लोग करते हैं इसको, तो देखो यहां पे लार्ज और स्मॉल दोनों दिया हुआ है, पाई बाय फोर डी स्क्वायर आर प्लस आर इंटू एल, ठीक है। डेटा क्या मिसिंग है, D तो हम लोगों को फाइंड करना है, और इसके अलावा देखो L की वैल्यू अपन को चाहिए, राइट। अपन को क्या चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए। तो तो देखो अपन लोग कैसे निकाल सकते हैं, L साइन 30, ये L क्या है हमारा, L है ये, ठीक है, L है हमारा ये, अच्छा ये हाफ क्या बन जाएगा, ये हाफ कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। अच्छा देखो हाफ से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 30 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर वाली हाइट कितनी आ गई, 45 आ गई। अब देखो हम लोग L निकाल सकते हैं, L क्या बन जाएगा, 45 इज इक्वल टू L साइन 30, तो यहां से L निकल जाएगा 45 बाई साइन 30, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोगों की, 90, ठीक है। अब जब L की वैल्यू आ गई तो हम लोग इक्वेट करके D की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या बनेगा, पाई बाय फोर डी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर कैपिटल, मतलब 60 प्लस 30 15 हो जाएगा ना, 30 नहीं होगा 15 हो जाएगा, है ना। तो 15 इंटू 90, ठीक है। तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 167, ठीक है, 167 mm। तो देखो जो क्लोजेस्ट वैल्यू ऑप्शन में है वो है सी ऑप्शन, तो इसलिए हम लोग क्या ले लेंगे, सी को सही मानेंगे, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं हुई है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, सी को सही मान लेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ मूव कर चुके हैं, इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो देखो जो भी सीट मेटल ऑपरेशंस होते हैं, बेंडिंग तो हम लोगों को सभी में परफॉर्म करनी पड़ती है, राइट। तो बेंडिंग ऑपरेशन तो आप समझ रहे हो क्या होता है,
कोई भी सीट मेटल है उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कई बार 90 डिग्री में, कई बार 45 डिग्री में, कुछ भी एंगल में हम लोगों को बेंडिंग करनी रहती है, ठीक है ना। तो यही वही बेंडिंग ऑपरेशन है, ठीक है ना। इसमें क्या लगता है, देखो बाई एक्सियल कंप्रेशन एंड बाई एक्सियल टेंशन लगता है। कंप्रेशन कब लगता है, देखो जैसे हम लोगों ने इस तरीके से किसी को बेंड किया, तो इसके जो ऊपर वाला फाइबर्स होते हैं उसमें क्या रहता है, टेंशन होता है, और जो बॉटम फाइबर्स होते हैं उसमें क्या रहता है, कंप्रेशन होता है, ठीक है। बेंडिंग में ऐसा ही होता है ना, जब किसी बीम को भी हम लोग बेंड करते हैं तो ऊपर वाले फाइबर्स में टेंशन होता है, नीचे वाले में क्या होता है, कंप्रेशन होता है, ठीक है। तो देखो जब हम लोग बेंडिंग करते हैं तो कई बार हम लोग को क्या होता है कि आपने भी देखा होगा, जब किसी चीज को हम लोग मोड़ते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, वो जितना हम लोगों ने मोड़ा उससे थोड़ी सी हम लोगों को रिकवरी हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैक बोलते हैं, ठीक है ना। स्प्रिंग बैक क्या होता है, जैसे हम लोगों ने क्या किया, इस थिकनेस तक उसको, जैसे इस यहां तक हम लोगों ने मोड़ा, लेकिन कुछ मेटल क्या होता है कि इस हम लोगों का थोड़ा सा इलास्टिक रिकवरी होती है, और उस इलास्टिक रिकवरी की वजह से क्या होता है, जितने एंगल में हम लोगों ने मोड़ा है वो एंगल क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना। ये इलास्टिक रिकवरी क्यों होती है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोगों का पोर्शन वो क्या होता है, रिकवर कर जाता है, जितना भी हम लोग, जितने एंगल से हम लोगों ने उसको बेंड किया रहता है उससे थोड़ा सा हमारा मेटल क्या होता है, रिकवर कर जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैक। देखो बिकॉज ऑल मटेरियल्स हैव अ फाइनाइट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑलवेज इज फॉलोड बाय सम इलास्टिक रिकवरी व्हेन द लोड इज रिमूव्ड, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा उसमें इलास्टिक रिकवरी हो जाती है। इन बेंडिंग This recovery is called the spring back, which can be observed easily by bending and then releasing a piece of sheet metal or wire. ठीक है ना, तो bending में क्या होता है कि in bending this recovery is called the spring back, when which can be removed easily by bending and then releasing the piece of sheet metal or wire. ठीक है ना। अच्छा इसके बाद देखो अगर इसको इसको हम लोगों को दूर करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों को मान लो इतना मोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा मोड़ देंगे, तो जब रिकवरी भी होगा तो फाइनल डायमेंशन हमारा कुछ ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये किस पे डिपेंड करता है, यील्ड स्ट्रेंथ पे, हायर द यील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर द स्प्रिंग बैक, ठीक है। हाँ वही एलन, तो ये किस पे डिपेंड करता है, यील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ज्यादा हमारा यील्ड स्ट्रेंथ होगा ज्यादा हमारा क्या होगा, स्प्रिंग बैक होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, उसका जो इलास्टिक लिमिट होगी काफी लॉन्ग हो जाएगी जब हायर हमारा यील्ड स्ट्रेंथ होगा, है ना, तो उसकी इलास्टिक रिकवरी भी क्या होगी, अधिक होगी। इसको देखो कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड डिफॉर्मेशन इज कैरीड आउट बियॉन्ड the desired limit by an amount equal to the spring back, ठीक है। अब देखो next हम लोग बात करने वाले हैं bend allowance के बारे में, बस अब कुछ formulae हैं और इसके बाद हम लोग फिर आगे move कर जाएंगे। देखो bend allowance क्या होता है, आप इस figure में देख सकते हो, ये जो center का portion है जहां पे bend कर रहा है, आपने पढ़ा होगा neutral axis के बारे में, है ना, न्यूट्रल फाइबर, न्यूट्रल सरफेस, न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, जिसका लेंथ क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है आफ्टर बेंडिंग, राइट। तो ये बेंड अलाउंस एलबी क्या होता है, लेंथ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इन द बेंड, ठीक है ना। हाँ आज फॉर्मिंग खत्म हो जाएगा। तो देखो इट इज यूज टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द ब्लैंक पार्ट फॉर अ पार्ट टू बी बेंड, ठीक है ना। तो किस लेंथ का हम लोगों को ब्लैंक चाहिए, वो हेल्प करता है ये बेंड अलाउंस को डिटरमाइन करने में, ठीक है। बेंड अलाउंस समझ में आया क्या हुआ, कि ये जो सेंटर में न्यूट्रल एक्सिस होती है उसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड अलाउंस बोलते हैं, ठीक है ना।
और इसके अलावा इसमें और क्या है, बेंड एंगल तो आप समझ रहे हो कितने एंगल से हम लोग बेंड कर रहे हैं, और बेंड लेंथ इसकी ये विड्थ हो गई। और ठीक है, सेटबैक क्या लिखा हुआ, जो इलास्टिक रिकवरी होती है वो इसका सेटबैक है। ठीक है, अब देखो बेंड अलाउंस हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो LB इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा जो कि बेंड एंगल है, R क्या है बेंड रेडियस है, देखो आप यहाँ पे ये है बेंड रेडियस R, ये लिखा हुआ है सेंटर से जिस एंगल जितने में हम लोग उसको टर्न बेंड कर रहे हैं। K क्या है देखो कांस्टेंट है, T क्या है थिकनेस है, आप नोट डाउन कर लो फॉर्मूले को। तो ये देखो ये जो K होता है कांस्टेंट होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेच पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, स्ट्रेच पे डिपेंड करता है आर। अगर ये जो हमारा बेंड रेडियस है आर ग्रेटर देन है 2t से, तो के की वैल्यू क्या होगी, 0.5 होगी, और अदरवाइज क्या होगी, अगर लेस देन है तो क्या होगी, के की वैल्यू 0.33 होगी। इसको नोट डाउन कर लो। इसी तरीके से देखो स्ट्रेन ऑन द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द बेंड इज, मतलब यहां पे इस आउटर मोस्ट फाइबर में कितना स्ट्रेन आता है, वो इस फॉर्मूले से इस इक्वेशन से हम लोग डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2R/T+1। तो ये सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, इनको सिर्फ आप नोट डाउन कर लो और याद करना रहेगा, और आगे मैं बताता हूँ अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। देखो स्ट्रेन इस ये जो आउटर मोस्ट फाइबर है, ये जो आउटर मोस्ट फाइबर है यहां पे स्ट्रेन की बात कर रहा है। ठीक है, और वो हम लोग कैसे निकालते हैं उसका, सिर्फ आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लो और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब बुक में भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया हुआ था और कुछ नहीं दिया हुआ है ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन, बस आउटर मोस्ट फाइबर में ये। और बेंडिंग फोर्स के बारे में नोट डाउन कर लो। अभी देखो बेंडिंग फोर्स, ये नीचे वाला भी नोट डाउन कर लो बेंडिंग फोर्स के बारे में। देखो के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई ओपनिंग फैक्टर बोलते हैं। और देखो ये डाई ओपनिंग फैक्टर हम लोग जो हमारा ब्रिथ है डाई ओपनिंग का, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा देखो वी बेंडिंग आप समझते हो, वी बेंडिंग, यू बेंडिंग और एज बेंडिंग, ठीक है ना, एज बेंडिंग। तो देखो ये तीनों अलग अलग तरीके की बेंडिंग के लिए, अगर ये हमारा जो डब्ल्यू है लेस देन है 16T से, तो के की वैल्यूज क्या होंगी, 1.33, 2.63, 2.67 और 0.67। इसी तरीके से अगर ये ग्रेटर देन है तो क्या होगा, 1.2, 2.4, 0.6। ठीक है ना, फॉर यू और चैनल बेंडिंग फोर्स रिक्वायर्ड इज डबल देन दी वी बेंडिंग, फॉर एज बेंडिंग इट इज हाफ ऑफ द वी बेंडिंग। आप देख सकते हो अगर यस हाँ एलन, जो डाई का ओपनिंग होगा वही ब्रेथ होगा ना, स्टॉक का भी वही होगा, बिल्कुल। ये हो गया बेंड लेंथ, ठीक है ना, ये ब्रेथ ऑफ द स्टॉक, ठीक है ना, और ये डाई ओपनिंग की ब्रेथ हो गई जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं।
टेबल की वैल्यू आपको दे देगा क्वेश्चन में, आप मत परेशान हो। बाकी आपको देखो याद क्या रखना है मैं बताता हूं आगे, के की वैल्यू डिपेंड करती है डब्ल्यू के ऊपर, ठीक है ना। और वी वेंडिंग मतलब ये, यू वेंडिंग मतलब ये, एच वेंडिंग मतलब ये। देखो वी वेंडिंग के लिए के की वैल्यू 1.33, अगर डब्ल्यू लेस देन है 16 टी के, डब्ल्यू ग्रेटर देन है 16 टी के, तो क्या होगा 1.2, 2.4। अभी मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग यूज करते हैं। और इसके अलावा देखो आप एक क्वेश्चन आया हुआ था, देखो द बेंडिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर वी वेंडिंग, यू वेंडिंग एंड एज बेंडिंग विल बी इन द रेशियो ऑफ, देखो क्या है 1.33 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा 2.67, और फिर 1.33 में अगर हम लोग उसका हाफ कर दें तो क्या बनेगा 0.67, मतलब 1:2:0.5, ठीक है 1:2:0.5। और वो किस पे डिपेंड कर रही है, देखो ये जो हमारी k की वैल्यू है उस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। 1.3 2. इसी तरह देखो 1.2 का डबल किया तो 2.4, फिर उसका हाफ किया तो 0.6 आ गया, ठीक है। इसी लिखा हुआ है देखो, फॉर यू और चैनल बेंडिंग फोर्स रिक्वायर्ड इज डबल देन द वी बेंडिंग, फॉर एज बेंडिंग इट विल बी अबाउट 1/2 ऑफ द वी बेंडिंग, ठीक है। ठीक है अभी देखो दो क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली तीन क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द बेंडिंग फोर्स फॉर अ 45 डिग्री बेंड इन एल्यूमिनियम ब्लैंक, ब्लैंक थिकनेस 1.6, बेंड लेंथ डाई ओपनिंग 80, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 455 मेगा पास्कल, डाई ओपनिंग फैक्टर 1.33। 1:2:0.5 एलन, देखो 1.33 का आधा है ना 0.67, ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, बेंडिंग फोर्स एफ निकालना है, तो देखो बेंडिंग फोर्स एफ निकालना है अपने को, क्या है इक्वेशन, के एल सिग्मा यू टी टी स्क्वायर। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक आपको करने को दूंगा, डिवाइड बाय डब्ल्यू, ठीक है। के की वैल्यू 1.33 क्वेश्चन में दी हुई है, इसके बाद एल की वैल्यू देखो 1200 mm दिया हुआ है, सिग्मा यू टी की वैल्यू दिया हुआ है 455, टी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.6 स्क्वायर, और डब्ल्यू की वैल्यू दिया हुआ है 8t, मतलब 8 इंटू टी कितना है 1 पॉइंट कितना है डब्ल्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एट इंटू 1.6, अच्छा 8t दिया हुआ ना 1.6, ठीक है। कैलकुलेट कर लो वैल्यूज आपके पास, एक तो 1.6 ऊपर नीचे से कैंसिल होने वाला है, क्यों, तो ये 1.6 इंटू 455 इंटू 1200 इंटू 1.33 बाई 8 कितना आ गया 145.236, ठीक है। एट टी मैंने रख दिया ना, 8 और टी, ठीक है ना,
अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2 mm थिक मेटल सीट इज टू बी बेंड एट एन एंगल ऑफ 1 radian विद अ बेंड रेडियस ऑफ 100 mm इफ द स्ट्रेच फैक्टर इज 0.5 द बेंड अलाउंस इज। देखो बेंड अलाउंस का मैंने क्या इक्वेशन आपको दिया है, अल्फा इंटू आर प्लस के टी, अल्फा इंटू आर प्लस के टी, ठीक है। देखो हम लोग यहां पे अल्फा रेडियन में ही रखेंगे ना, क्योंकि हम लोग एमएम के साथ कर रहे हैं यूज, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू आर की वैल्यू क्या है 100 प्लस के की वैल्यू कितना है 0.5, ठीक है ना, स्ट्रेच फैक्टर इंटू टी कितना है 2, वैल्यूज आ जाएंगी कितनी आ रही है 101 mm। अब देखो एक ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सॉल्व करो इसको और मुझे वैल्यू बताओ। ए सही आ रहा है, ए ठीक आ रहा है आपका, ठीक है। तो यहां से हम लोगों का फिनिश हो रहा है चैप्टर ये फॉर्मिंग। अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताना, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और नोट्स कई दिनों से मैं अपलोड नहीं किया हूं, आज सारी नोट्स भी अपलोड कर दूंगा। और ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मेट्रोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखना चाह रहे हो एलन? हाँ ठीक आया आपका, 166 ही आ रहा है, ठीक है, 166.25 किलो न्यूटन ही आ रहा है, सही है। क्यों कुछ दिक्कत हो रही है क्या एलन? 16.65 आ रहा, रुको मैं चेक करता हूं क्या क्या वैल्यूज हैं। देखो के एल सिग्मा यू टी स्क्वायर, सिग्मा यू टी इंटू टी स्क्वायर राइट, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, रखो वैल्यू उसको, के की वैल्यू 1.33 इंटू एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 meter मतलब 1000 इंटू 500 इंटू टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 राइट, तो ये हम डायरेक्ट 4 ही रख देते हैं ना, 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऑफ थिकनेस 8 इंटू 2, सॉल्व करो इसको वैल्यू आपको मिल जाएगी। मैं करूँ सॉल्व,
500 इंटू 1000 इंटू 4 इंटू 1.33 डिवाइडेड बाई 60, 166.25 ही आ रहा है। ठीक है, सही है। चलो तो ये चैप्टर यहां से फिनिश हो रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेट्रोलॉजी, ठीक है ना। अच्छा, हो सकता है मेरी नेक्स्ट क्लास अगर कल होती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अदरवाइज शायद अब मेरी नेक्स्ट क्लास मंडे को रहेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल एलन, डिक्रीज करती है परमियाबिलिटी। इस तरीके का कुछ कर्व बन रहा था ना, मुझे कल थोड़ा सा काम है एलन, तो अगर मुझे वहां नहीं जाना पड़ा तो मैं क्लास ले लूंगा आपकी, और अगर हो सकेगा तो टाइम आगे पीछे करके भी अगर पॉसिबल होगा तो ले लूंगा, और अगर नहीं हो पाता है आपको मैंने परमियाबिलिटी का कर्व एक दिखाया। ठीक है एलन, मैं फिर देखता हूं क्या होता है कल। तो कल से हम लोग, आप थोड़ा बोल दीजिएगा सभी लोगों को नेक्स्ट सर की क्लास में कि ज्वाइन करें सभी लोग, और जो दिक्कत होगी अपन लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे बात करके। हो सकता है कि क्या है ना, ऑनलाइन टीचिंग मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, उसके पहले मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था, तो हो सकता है थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो रहा हो, तो उन चीजों को हम लोग दूर करेंगे, राइट। तो चलो ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।